मम्मी जायका में आज हम गाजर के हलवे की एक ऑथेंटिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये हमारी नानी, दादी, मम्मी सब बनाते थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत कम सामग्री में बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अलग हटके आता है क्योंकि ये एक पारंपरिक रेसिपी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो गाजर ली है। ये देखिए, जब आप हलवे की गाजर लो तो थोड़ी मोटी और लंबी ले और थोड़ी मीठी भी ले। जो लाल गाजर होती है वो मीठी होती है और हलवे की अलग ही गाजर होती है, आप पतली पतली गाजर नहीं ले। इसको हमने धो लिया। अब हम इसका ये जो मुँह वाला भाग है वो इस तरह से काट लेंगे और पीछे वाला भाग भी काट लेंगे। अब हम एक पीलर की मदद से इसको छील लेंगे इस तरह से। ये कद्दूकस है, इससे गाजर, दूधी, नारियल सबको कद्दूकस किया जाता है। इससे हम गाजर को कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में चॉप भी कर सकते हैं या फिर उसको पीस भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, ये हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे। गाजर को 1 मिनट के लिए हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के हाई से मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, गाजर एकदम से सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका पानी भी सूख गया। ये हमने 1 किलो दूध लिया, 2 थैली है ये, और ये फुल क्रीम दूध है। आप चाहें तो भैंस का या गाय का कोई भी दूध ले सकते हैं। गाजर के अंदर इस दूध को डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लें और मीडियम से हाई फ्लेम पे दूध सूखने तक हम इसे पकाएंगे। दूध पूरा सूख चुका है, इसको हमने लगभग 20 से 25 मिनट पकाया। अब हम इसमें 1.5 कप शक्कर डालेंगे। ये लगभग 100 ग्राम शक्कर है, आप शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे गाजर मीठी होती है, इसके लिए इसके अंदर कम शक्कर की ज़रूरत होती है। ये जो टेबल स्पून होते हैं ये 8 टेबल स्पून शक्कर है, आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं। शक्कर को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से शक्कर का पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे। शक्कर का पानी सूख चुका है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये गाजर का हलवा पारंपरिक तरीके से बना रही हूँ, इसके लिए इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब हमें इसे लगभग 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनना है, रेगुलर चलाते हुए भूनना है, क्योंकि जो पारंपरिक हलवा है वो इसी तरह से भून के बनाया जाता है। ये देखिए, हलवा अच्छे से भून गया, हलवे ने कढ़ाई को भी छोड़ दिया और ये चम्मच से भी आराम से गिर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, चम्मच से आराम से गिर रहा है। ये हलवा सिकने की निशानी है कि वो कढ़ाई को और चम्मच को दोनों को छोड़ देता है। अब हम इसमें लास्ट में 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। ये हमारा टेस्टी सा गाजर का हलवा तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते और इसे हम सर्व करते।
इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखिए एकदम टेस्टी सा गाजर का हलवा। अगर आपने इस तरीके से हलवे को बनाया तो ये 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर, दूध, पानी कुछ भी नहीं रखा है। इसके लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हमारी एक पारंपरिक रेसिपी है। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।